कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहा है फर्स्ट इंडिया और उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया लेक सिटी उदयपुर में। यह आयोजन हो रहा है, फर्स्ट इंडिया आपको सैल्यूट करता है, आपको सलाम करता है और आज की ये शाम आपके नाम भी है क्योंकि पूरे शुरुआत से लेकर 8-9 महीने का वक्त हो गया, आपने जिस तरीके से मोर्चा संभाला। और इसके बाद डॉक्टर अरविंदर सिंह सीईओ अर्थ डायग्नोस्टिक्स, सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए। क्योंकि जिसने भी फ्रंट लाइन पर रहकर हमेशा से, आप काबिले तारीफ है सर आपका हौसला और फर्स्ट इंडिया आपको सैल्यूट करता है, आपके हौसले को सलाम करता है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि समाज में इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में हनुमंत सिंह राजपुरोहित थानाधिकारी हिरणमगरी, सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आए। हनुमंत सिंह जी किसी कारण से आज शहर से बाहर हैं तो उनके बिहाव पे थाने के ASI हमीरलाल जी सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। हनुमंत सिंह जी ने इस पूरे कोरोना काल में तकरीबन 2,35,000 से ज़्यादा फूड पैकेट्स का वितरण किया था। कई सारे ऐसे काम जो कि कोरोना वॉरियर्स के बतौर किए जा सकते थे, उन तमाम कार्यों में हिरणमगरी थाना और पूरी शहर पुलिस जो है अग्रिम पंक्ति में रही, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात। प्रोफेसर SS सारंग देवोत, कुलपति राजस्थान विद्यापीठ, बहुत वेलकम है सर और बहुत आभार भी इस पूरे कोरोना काल में जिस तरीके से मोर्चा आपने भी संभाला अपनी पूरी। रॉबिन सिंह सचखंड गुरुद्वारा, सर आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर आप यहाँ पर हैं तो कृपया मंच पर आएं। रॉबिन सिंह सचखंड गुरुद्वारा, इस पूरे कोरोना काल में वो एक इंसान या फिर वो एक व्यक्ति जिसने अपनी किसी भी वजह से किसी की मदद की है तो वो हमारे लिए कोरोना वॉरियर्स हैं। और आज यहाँ पर आप लोग आए हैं, आप सभी ने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, उल्लेखनीय काम किया, इसीलिए आप सभी सम्मान पाने के अधिकारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र पाल सिंह कप्पू रक्तदाता, रविंद्र पाल सिंह जी शहर के उस व्यक्तित्व में से हैं जो कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत होती है तो तुरंत से रक्त मुहैया कराना, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार रक्तदान कर चुके हैं और एक तरीके का अपना एक रिकॉर्ड जो है वो रक्तदान में इन्होंने कायम किया है। रक्तदान महादान की श्रेणी में माना जाता है, तो ऐसे में हम इनका सम्मान कर रहे हैं, बड़े गौरव की बात है। मनीष
मनीष शर्मा जी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन। मनीष शर्मा जी, डॉक्टर दिनेश खराड़ी, CMHO। डॉक्टर दिनेश खराड़ी कोरोना काल में अग्रिम पंक्ति में डटे रहे, लगातार कोरोना जो पेशेंट्स हैं उनकी अपडेट करना, क्वारंटीन कराना, उनके घर पर जो है जो भी होम क्वारंटीन है उनको दवाइयां मुहैया कराना, उनके यहां पर चिकित्सा दलों की पहुंच सुनिश्चित करना, ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं उनमें डॉक्टर दिनेश खराड़ी जो हैं उन्होंने बड़ा योगदान निभाया है। नंदराज भारती, शवदाग्रह, अशोकनगर। नंदराज भारती जी, बहुत स्वागत है सर आपका इस पूरे कोरोना काल में, जिसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। कई समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ा, लेकिन हौसले कमज़ोर नहीं पड़े। बहुत बहुत सैल्यूट है आपको सर। नंदराज भारती जो हैं ये वो शख्सियत हैं कि जब भी कोई कोरोना पेशेंट जिसकी डेथ हुई उसके शव का अंतिम संस्कार करना, ये एक बहुत चुनौती भरा काम था। और वो दौर जब हम तमाम लोग जो हैं लॉकडाउन के चलते अपने घरों में दुबके हुए थे, तब नंदराज भारती इस अपने अदम्य साहस के दम पर ये कार्य कर रहे थे, ये एक बड़े गर्व की बात है। डॉक्टर राजवीर, चिकित्सक, RNT, बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है पूरे कोरोना काल में, वो हम सभी इससे वाकिफ़ हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका खास तौर से शुक्रिया। डॉक्टर राजवीर सिंह जो हैं वो एक तरफ पेशेंट्स का इलाज करना और उसके बाद जैसे ही फ्री होते थे, जो लोग दूसरे स्टेट से इस उदयपुर के मार्फत अपनी जगहों पर जा रहे थे उनको फूड पैकेट्स पहुंचाना, और इस अवधि में डॉक्टर राजवीर जो खुद हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उन्होंने अपने इस कर्तव्य को पूरा करने का जो जज्बा है वो कायम रखा। स्थान पर विराजमान हो जाएं एक बार फिर से, क्योंकि सभी वो पंक्ति में आखिरी में खड़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर कोई भी नागरिक हो देश का, जिसने इस पूरे कोरोना काल में एक दूसरे का हौसला तक बढ़ाया है, इसीलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा आभार आप सभी का। कोरोना के इस दौर में किस तरीके से आप लोग रहे, किस तरीके से आप कितने महीनों तक घर से दूर रहे, कोई अपने परिवार से दूर रहा, बाल बच्चों से दूर रहा, लेकिन कोई शिकायत नहीं की, लगातार डटे रहे। आपकी कोशिश पूरी ये रही कि किस तरीके से प्रदेश को, किस तरीके से देश को सुरक्षित किया जाए और इस कोरोना की जंग को जीता जाए, और लगातार आपकी वो कोशिश अभी भी जारी है। अब इसी के साथ ही सबसे पहले मैं चाहूँगी उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा जी को कि वो मंच पर आएँ और हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए अपने शब्द यहाँ पर रखें। अर्जुन लाल मीणा जी, बहुत स्वागत है सर। फर्स्ट इंडिया के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डिविजनल कमिश्नर आदरणीय भाले साहब, मंच पर विराजे हुए उदयपुर के जिला कलेक्टर माननीय चेतन जी देवड़ा साहब, मंच पर विराजे हुए RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय ओसवाल साहब,